नमस्कार, आप सभी का अगेंस्ट करप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम के साथ साथ जानेंगे कि हमारा कानून अंधा है और यह क्यों है। इसके बारे में जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी क्लिक कर लें तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को ग्रुप में इतना शेयर करें कि जिससे हर भारतीय को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाइक अवश्य कर दें। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हमारा कानून अंधा है इसके बारे में। और बहुत सारे ऐसे कमेंट मुझे मिलते हैं कि सर मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने नियम कानून को अवश्य समझें तथा उनकी मुख्य बातों को अवश्य ध्यान में रखें। केवल अधिवक्ता पर निर्भर रहने से हमें न्याय नहीं मिल सकता। तो चलिए देखिए, सत्यमेव जयते, कानून अंधा है। इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि पहला, कानून अंधा क्यों है? दूसरा, कानून को साक्ष्य की जरूरत होती है। तीसरा, कानून बनाए गए नियमों पर चलती है। चौथा, कानून को सत्य एवं सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, उसे साक्ष्य से लेना देना होता है। पांचवा, कानून के नज़र में दोषी कानून के नज़र में दोषी नहीं है जिसके खिलाफ साक्ष्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि वह दोषी व्यक्ति है लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई साक्ष्य प्रमाणित नहीं होता है तो वह कानून के नज़र में दोषी नहीं है। छठा, कानून को दोषी के खिलाफ साक्ष्य है लेकिन किसी कारण से प्रमाणित करने में देरी होती है या प्रमाणित नहीं किया जाता है तो उसे कानून दोष मुक्त कर देता है। यह हमारे नियम कानून के तहत ऐसा प्रावधान है। सातवां, दोषी के खिलाफ साक्ष्य है और आपने उसे प्रमाणित भी कर दिया, दोनों से आप संतुष्ट हैं, लेकिन अब मामला न्यायाधीश के ऊपर रह जाता है कि वे दोषी को सजा देंगे या दोष मुक्त करेंगे। यह हमारे संविधान में न्यायाधीश के ऊपर छोड़ा गया है कि वह इस पर स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, चाहे उसकी नज़र में जो भी दोषी हो या ना हो। आठ, हमारे देश के कानून में है कि एक निर्दोष को बचाने में हजारों दोषी छूट जाए तो कोई बात नहीं है। नौवां है, लेकिन यह सब केवल कानून की किताबों में ही रह गया है। हजारों दोषी तो छूट जाते ही हैं लेकिन भ्रष्टाचार के कारण कई निर्दोष कानून के जंजाल में फंस जाते हैं। अतः हम सभी भारतीयों को संविधान के नियमों व कानून का ज्ञान अवश्य रखना चाहिए, तभी हमें न्याय मिल सकता है, अन्यथा नहीं। जय हिंद। इसलिए आप सबों से नम्र निवेदन है कि आप लोग भी अवश्य कानून से संबंधित जिस भी विभाग में आप वाद को ले जा रहे हैं उस विभाग के नियम कानून को अवश्य समझें और उसका ज्ञान रखें तथा अपने बातों को लिखित रूप से किसी भी न्यायालय में अवश्य प्रेषित करें तथा बहस के दौरान उस लिखी हुई बातों को ही स्पष्ट पॉइंट टू पॉइंट साक्ष्य सहित प्रमाणित करने का प्रयास अवश्य करेंगे तो आशा है हम सभी को न्याय अवश्य मिलेगा। जय हिंद।